पता नहीं इससे क्या हो गया। पहले इसने कभी ऐसे बात नहीं की, हमें लगता है जरूर कोई प्रॉब्लम है। वैसे बात नहीं करती कभी भी। ये इन लोगों की कोई नई चाल है। और अगर पिहू ने वकील के सामने बॉबी और मोहिनी को अपना गार्जियन मान लिया तो आनंदिता की जिंदगी खराब हो जाएगी। विक्रम साहब, ये देखिए हमें क्या मिला है। कोशिश करने वालों के लिए हर दरवाजा खुल जाता है, नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। गोपाल, प्लीज, अब सॉरी, सॉरी गोपाल, पापा बचाओ ना। मामा, अरे रे 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 रे, नहीं बेटा ऐसे रोते नहीं है। सुनो, हम ना तुम्हारे मुंह की पट्टी खोल रहे हैं, तुम चिल्लाना मत। हाँ, तुम्हें भूख लगी होगी, हम रोटी लाए हैं तुम्हारे। क्या करें बेटा, पैसा भी तो जरूरी है। बस पैसा देख के ना कुछ हो जाता है। ऐसा समझ लो कि जहां माल वहां हमारी चाल। ठीक है, तब इसके लिए पैसे के लिए हमें खिला रही है यहाँ पे। नहीं खा रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें किसी ने कोई पैसा नहीं दिया और हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमने पाप किया है। हम यहाँ पे अपने पाप का प्रायश्चित करने ही आए। भगवान भी तो हमारी मजबूरी समझते हैं ना। हम भगवान को जानते हैं, हम भगवान को बोल देंगे, हम जीरो कर देने के लिए। मेरे सबको टेका। लो जी, हम तो यहाँ तुम्हें खिलाने आए हैं, करो भी और फिर सुनो भी। तुम यहाँ रहो काल कोठरी में, काले अंधेरे में जा रहे हैं हम। हाँ नहीं, रुकिए यहाँ पे। क्या है बोलो? हमारे पास बहुत पैसे, अब हमको पैसे देंगे। बस आप हमें कहने नहीं, खा दीजिए, आपके सारे पैसे दे देंगे। बेटा उन चूरन के नोटों से ना ढेला नहीं आता। अच्छा सुनो, रोटी हमने खिला दी है, तुम्हारे मुंह की पट्टी वापस बंद कर रहे हैं, चुपचाप सो जाना। अबे मत बोलिए, प्लीज अब एक बार हमारी बात सुनिए। वो जो हमारी जैसे दिखने वाली लड़की है ना, उसे एक बार बस हमारे पास भेज दीजिए। बस उसे एक बार बोल दीजिए कि हम उसे मिलना चाहते हैं। उसे बस एक बार बोल दीजिए। लेकिन हम आपके रोज प्यार पड़ेंगे, रोज पड़ेंगे, आज और प्लीज उसे बोल दीजिए। हम विक्रम वापस करते नहीं अपने, हम कोई भी घर पर नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, हम तुमको मिलवा दो, लेकिन ध्यान रहे कुछ गड़बड़ मत करना। हाँ, क्योंकि अगर तुम गलती करोगी ना तो तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारी माँ को मिलेगी। नहीं, कोई गलती नहीं करेगी। अच्छा अब हम जा रहे हैं। खेलते थे ये सारे खिलौने। इतना नरम बिस्तर अपन तो रोड पे सोता था। हमारी शोना को किसी की भी नजर ना लगे। क्या बोला? यही कि शोना को किसी की नजर ना लगे। तेरे को आप उनका नाम कैसे पता? तेरे को? हाँ हाँ तुझे तुझे पीहू, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या हो गया है? मैं पहले आप उनको शोना बोला, फिर तूने आपको क्यों बोला? तुझे सब कुछ पता है? क्या है ये सब? हाँ, किसने सिखाया तुम्हें ये? शोना अपनी मम्मी से तुझे करके बात नहीं करते, आप करके बात करते। ओके, कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब? वो बोनापार्ट ने, डमरू ने। बोनापार्ट? हम अभी वार्न कर रहे हैं पीहू, दोबारा ऐसी बदतमीजी वाली बात की ना तो बहुत पनिशमेंट देंगे तुम्हें। सॉरी बोलो, अभी बोलो सॉरी। सॉरी मम्मा, गलती हो गई। पीहू अच्छे से बोलो। सॉरी मम्मा, गलती हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा ऐसे मत करना, ठीक है? अभी हम तुम्हारे लिए जाके मिल्कशेक बना कर लाते, तब तक तुम ये खाना खा लो। ओके, गुड गर्ल। और हाँ, वो जो बॉबी और मोहिनी है ना, उनसे दूर रहना। उनसे बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं, वो बहुत बुरे इंसान हैं। समझ गई? ए, दिमाग खराब है तेरा? अभी सारा भांडा फोड़ देती। ज़्यादा चल रही है क्या? तूने क्या बोला था अपन को? कि अपन यहाँ राजकुमारी की तरह रहेंगे। राजकुमारी ऐसी रहती है? उस पागल ने अपन को डांटा। आज तक अपुन को किसी ने भी नहीं डांटा, उसने अपुन का कान खींच के लाल कर दिया। अमेरिका ने ये सब क्या? अच्छा 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 आई एम सॉरी। चल नीचे या दू नीचे चल। बैठते। अच्छा ठीक है पैर दो, देखो गलती हो गई माफ कर दो। हाँ पैर भी दबा रहे हैं, माफी चाहिए। 100 बार उठक बैठक कर फिर अपन तुझे माफ करने का। कर कर चल। नीलू आंटी कब भेजेगी उसको उस लड़की को? कब भेजेगी वो नीलू आंटी? कब भेजेगी वो हमारी ट्विन? कब आएगी? अपू यहाँ से खड़ा होता है, लाइन वो ही से शुरू होती है। बोल तेरे को क्या मांगता है? ए चिरकुट अपुन आ गए। अपुन तो सेम टू सेम दिखते हैं, एकदम सेम टू सेम। ये मानती ना अपुन को बोला कि तेरे को अपुन से मिलना था क्या? ऐसा क्यों कर रही हो? क्या चाहिए हमसे? तुमने हमें ऐसे क्यों बात दिखाए? तुम्हें हमारी जगह क्यों लेने आए? बोलो ना। देख तेरे को एक बात बताऊं, जहाँ पे खाना कपड़ा और खिलौना वो की जगह ना अपन को अच्छी लगती है, वहीं पे अपन को रहना है, समझी? वो ये मांगता है ये तेरी है, ये सबके वास्ते ना अपन किसी को भी परेशान कर सकता है। तुम बहुत बुरी लड़की हो। अगर हमारी मम्मा को तुमने कुछ भी किया ना तो तुम्हें पाप लगेगा। हम बोल रहे हैं हमारी गुड़िया को छोड़ो, हमारी लॉल को छोड़ो। तेरी माँ मतलब वो पागल? हमारी माँ को पागल बोला? मैं छोड़ेंगे नहीं। नहीं आप उनको नहीं बताएगा ना, उनको बहुत मस्त खाना खिलाती है। पर पता है उसने ना आज अपुन का कान मुड़ा ऐसे दिखाएं। छोड़ो 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 हमारा कान और हमारी गुड़िया छोड़ो, छोड़ो हमारी मिस्टी को। तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। देख आज जो तेरा उसने अपुन का हक है, जब भगवान ने हम दोनों को एकदम सेम शक्ल दिया ना तो अपन को भी अच्छी जिंदगी जीने देना, नहीं तो भगवान बुरा मान जाएगा ना। तेरा यही रहना सही होगा, तब तो टाइम पे खाना देते होंगे, अपन को भी ऐश करने देना। अपन तेरे घर पे रहे, अपन को भी थोड़ा अमीर होने देना, तेरे सारे खिलौने के साथ खेलने देना। नहीं ये कभी नहीं हो सकता है, हम कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, हम भूतू है भूतू। पीहू कहाँ हो तुम? पीहू तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्तों के लिए तुम्हें हर कोई देख सुन पाएगा और तुम्हें इन शक्तियों का इस्तेमाल करके अपना घर वापस लेना होगा। हमारे पास बस 4 दिन है, अगर 4 दिन के अंदर उमा को सब नहीं पता चला तो गंडगोल हो जाएगी, क्योंकि वो पहले कहा था बस 2 हफ्ते के बाद हम फिर से पीहू से भूखू बन जाएंगे। किसी भी तरह बस मिष्टी के पॉकेट में जो चीज डाली थी वो मम्मा तक पहुंच जाए। पिहू, हाँ सर, हम हमारी गुड़िया के साथ खेले थे लुका छुपी। नाम क्या है तुम्हारी गुड़िया का? दीपिका पादुकोण। पर जितना मैं जानता हूँ इसका नाम मिष्टी है। हाँ बुलाती थी, पर अब हम इसको दीपिका पादुकोण बुलाएंगे। कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो आप हमसे पूछ क्यों रहे थे कि हमारी डॉल का नाम क्या है? गलती हो गई पिहू, I'm sorry, गलती हो गई, ठीक है। आपको हमारी हरकतों से लग रहा है ना कि हम अलग बिहेव कर रहे हैं। हाँ, हम अलग बिहेव कर रहे हैं क्योंकि हमारा मन कर जाए, इसलिए। पिहू, I'm very sorry, आइंदा से मैं कभी ऐसे नहीं पूछूंगा, ओके? प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? हाँ, पक्का प्रॉमिस। हमें अपना प्लान शुरू करना पड़ेगा। पर ये देख, क्या ये एनओसी है, इस पे पीहू के थंबप्रिंट्स लगेंगे और हम कोर्ट में शोना को लेकर जाएंगे और ऑफिशियली पीहू के गार्डियंस बन जाएंगे। मतलब अब सिर्फ 1-2 दिन और, उसके बाद इस माँ बेटे की कहानी पर हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण विराम लग जाएगा। थैंक यू गॉड, जो आपने एकदम सही वक्त पे इस डुप्लीकेट को भेजा। अच्छा बॉबी, तुम्हें पता है आज फिर से हमने आनंदिता की दवाई में कुछ मिलाया है। अगर सब कुछ सही रहा तो सुबह तक वो हमें बेहोश पड़ी मिलेगी या पीहू देखो सरप्राइज, तुम्हारे फेवरेट रेड कलर की फ्रॉक कितनी प्यारी है रा, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। ये लो। छी, मुझे लाल कलर बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन शोना, रेड तो तुम्हारा फेवरेट कलर है ना, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? आज से हमारा फेवरेट कलर रेड नहीं है, हम बोर हो गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कल जाके दूसरे कलर का फ्रॉक लेके आएंगे तुम्हारे लिए, जो तुम्हें पसंद हो। वैसे शोना अभी बहुत लेट हो गया है, चलो हम सो जाए। हाँ, हमें ऐसे नींद नहीं आती। बदमाश, हम जानते हैं तुम्हें क्या चाहिए। कोई बात नहीं, हम तुम्हें तुम्हारी फेवरेट लोरी सुना के सुलाएंगे, चलो। मेरी नजर ना लगे तुझको, आले लू तेरी बलाई, तू ही है मेरी जन्नत। शोना, लेकिन ये तो तुम्हारी फेवरेट लोरी थी ना? हाँ, अरे मम्मा, कल तक था, पर आज मुझे कुछ और ही ठंडे का मन कर दे। मम्मा को वो चीज मिल गई होगी जो अपने मिट्टी के पॉकेट में छुपाई थी। काश मम्मा को मिल गई होगी। अब वो चीज ही हमारी जान बचा सकती है। बजाया होगा पापा को गाना कितना अच्छा लग रहा। I'm sorry गोपाल, हमने तुम्हारे साथ झगड़ा किया था। हमें नहीं लड़ना चाहिए था तुम्हारे साथ। सब हमारी गलती है। प्लीज कुछ कर दो ना। प्लीज वो चीज मम्मा के तक पहुंचा दो ना। प्लीज गोपाल, हम हाथ जोड़ दे। प्लीज सुन ले, आपको उनका फेवरेट कलर व्हाइट और पिंक है, ना कि रेड। दीपिका पादुकोण का भी फल और पिंक, इसलिए आप उनको भी। तेरी माँ ने ये सरा हुआ रेड कलर का फ्रॉक लिया था तेरे लिए, अब उनको नहीं चाहिए। उनको क्या तुम्हें पता है ये ड्रेस ना जून पहने हैं। ये ड्रेस ना हमारे पापा को दीपिका पादुकोण ने दिया था। पादुकोण? हाँ, वो ना हमारे पापा के दोस्त है। आप उनको देना है। हमको दे तो पहन ना अपनी माँ का वो रेड कलर का फ्रॉक। ठीक है। और तुमको तुझे बांधना है, घूर कर ये बैट फेंका। ए लड़की, कहाँ जा रही भागती? और तुझे खोला किसने? छोड़ो, अब उन पीहू नहीं, सोना है। पता है। ए, ज़्यादा बनने की जरूरत नहीं है। हम सब जादू तुम कौन हो? अरे नहीं, अब उन सच में सोना है। तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम सोना की तरह बातें करोगी तो हम सबको लगेगा कि तुम सोना हो, है ना? बैल बुद्धि समझा है क्या हमें? हाँ, तेरी बैल बुद्धि है। एक छोड़ अपन को। खोल, छोड़। चुप। छोड़। बोला ना तेरे को। बॉबी, हो गया? हाँ, चल, चल, एकदम चुप। चल, चुप। तेरी कर। और देखो हमारी टूटी खिड़की देखो, अपन को टूटी खिड़की। दिखाओ। बॉबी, सोना? हाँ। मतलब पीहू।